भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,688 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक दिन में कोविड 19 के 3,688 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,75,864 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 50 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,23,803 हो गई है। वहीं देश में कोविड 19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 18,684 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,755 लोग कोरोना को हराने में सफल रहे हैं, जिससे अभी तक कुल 4,25,33,370 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोविड 19 से मृत्यु दर 1.22% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड 19 रोधी टीकों की 1,88,89,90,935 खुराकें दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।